लाहौर से खबर है जहां खातून के साथ ज्यादती का एक और वाकया पेश आया है। घर के सामान की शिफ्टिंग कराने आए शख्स की लेडी डॉक्टर से ज्यादती, जबकि लेडी डॉक्टर ने घर किराए पर लिया हुआ था और शहरियार को सामान शिफ्ट करने के लिए बुलाया था। लेडी डॉक्टर ने मुलजिम शहरियार के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया है। पुलिस ने इस हवाले से कार्रवाई शुरू कर दी है। लाहौर में खातून के साथ ज्यादती का एक और वाकया पेश आ चुका है। घर के सामान की शिफ्टिंग कराने आए शख्स ने लेडी डॉक्टर से ज्यादती की है। लेडी डॉक्टर ने घर किराए पर लिया और शहरियार को सामान शिफ्ट करने के लिए बुलाया था। लेडी डॉक्टर ने मुलजिम शहरियार के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया है, जबकि पुलिस की कार्रवाई भी जारी है। आपको अपडेट कर रहे हैं लाहौर से, जहां खातून के साथ ज्यादती का एक और वाकया सामने आया है। घर के सामान की शिफ्टिंग करवाने आए शख्स की लेडी डॉक्टर से ज्यादती। लेडी डॉक्टर ने घर आए किराए पर लिया था, जबकि शहरियार को सामान शिफ्ट करवाने के लिए बुलाया गया था। लेडी डॉक्टर ने मुलजिम शहरियार के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया है। पुलिस की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। इसी बारे में मजीद तफसील जान लेते हैं नुमाइंदा 7 न्यूज माजिद अली शाह से। जी माजिद बताइएगा। जी बिल्कुल, काना के इलाका ये नाज टाउन है। नाज टाउन के इलाका में ये खतून के साथ ज्यादती का वकूआ दरपेश आया, जिसमें शहरयार नामी शख्स है जिसने खतून के साथ ज्यादती की। ये खतून अपना किराए का मकान चेंज करने के लिए इसने अपने हमसाय शहर यार को कहा। इस खातून का नाम नरीसा बताया जाता है। ये नाज टाउन में किराए के मकान में रहाइश पजीर थी। इसने मकान चेंज किया तो अपने हमसाय मुलजम शहर यार को कहा, तो शहर यार ने सामान के बहाने इसके घर आया। तो इसने जब सोने के लिए लाइट को ऑफ किया तो नशा आवर गोली खा ली। जब गोली खाने के बाद नींद मंद होशी के आलम में जब इसकी आंख खुली तो बरहना हालत में ये घर में पाई गई, जिसके साथ मुलजम शहरियार ज्यादती करता रहा। खतून ने वन भाई की कॉल के बाद अपने करीबी रिश्तेदारों को बुलाया, जो के मौके पर आए और पुलिस के आने पर मुलजम मौका पाकर फरार होने में कामयाब हो गया। खतून नरीसा की मदैयत में थाना काना में मुकदमा का अंदराज हो चुका है। मुकदमे का अंदराज हो चुका है। माजिद अली शाह, बहुत शुक्रिया आपका।